सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसकी किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। न हथियार से मिलती है न अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह आपके व्यवहार से मिलती है। मुस्कुराइए क्योंकि आज वही कल है जिसके आपको कल बहुत फिक्र थी। आज का पंचांग 12 अप्रैल 2020, दिन रविवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, शाम 5:15 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र शाम 7:13 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 4:43 से 6:16 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:35 से 12:28 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर शाम 7:13 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 12 अप्रैल 2020, दिन रविवार, आज के दिन बदलाव के नाम रहेगा। आपकी मुलाकात ऐसे किसी आदमी से हो सकती है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों का या तो खुद कारण बनेगा या बदलाव लाने वाले लोगों से मुलाकात का माध्यम बनेगा। हालांकि सभी बदलाव आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। इससे पहले कि आप बदलाव को स्वीकार कर आगे बढ़ें, आपको यह भी देखना होगा कि क्या यह बदलाव आपके लिए आने वाले समय में लाभकारी साबित होंगी। राजनीतिक लाभ प्राप्त हो सकता है, राजनीतिक पकड़ मजबूत होगी, जनता का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। जन सपोर्ट के साथ साथ पार्टी से भी सहयोग प्राप्त होने की संभावना बन सकती है जिससे आप लोग कल्याण का कार्य कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ अप्रत्याशित प्रस्तावों के मामले का हो सकता है। आज जो काम आप अपने ही बल पर शुरू करेंगे उसमें बेहतरीन सफलता मिल सकती है। आपको आज कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। शाम के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने सोने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत महसूस हो सकती है। सावधानियां, जीवन साथी की किसी बात को गंभीरता से न लेने की स्थिति में विवाद हो सकता है। सुनी सुनाई बातों पर आंखें बंद करके यकीन न करें और उनकी सच्चाई को भली भांति परख लें। खराब हालात से दूर रहना ही बेहतर है। लव लाइफ की बात करें तो आज आपको अपने साथी के बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिससे आपको उसके बारे में राय बनाने में मदद मिलेगी। कुछ समय से आपका साथी आपको बहुत संकेत भेज रहा है। जो जानकारी आज आपको मिलेगी उससे आप अपने साथी के तर्क को समझ पाएंगे कि क्यों उसका व्यवहार ऐसा था और जिससे कि भविष्य की योजनाएं बनाने में आपको मदद मिलेगी। आप नवीन चीजों में ढलने के लिए अपने आप को लचीला बनाएं। करियर की बात करें तो आप स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहे हैं और इस वजह से हमेशा आपने ध्यान केंद्रित कर काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलें। यह भी आवश्यक है कि आप अपने मन को भी व्यवस्थित एवं खुला रखें, ज्यादा स्वच्छंद और अनुमानित ना हो और उस तरह से आप सबके साथ एक अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगी। सेहत की बात करें तो दूसरों के बारे में सोच समझकर खुद को तनाव ना दें। दूसरों के बारे में सोचकर खुद को तनाव ना दें क्योंकि जब तक आप यह सब करते रहेंगे पूरी तरह व्यर्थ के सोच विचार और
चिंता से उभर नहीं पाएंगे। अगर दवाइयों से अधिक फायदा नहीं हो पा रहा है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ही ठीक रहेगा। योग और ध्यान से बहुत आराम मिलेगा। आज का उपाय, आज अब जल में तिल मिलाकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।